हैं, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप रिफंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपका रिफंड आपको मिलता है डिले की वजह से, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए अब जल्द ही रिफंड इश्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंसमेंट इश्यू किया है, और ये है गुड न्यूज़। जीएसटी के अंदर, इसके अंदर सिंगल अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड को इश्यू करेगी, और जल्द ही एक्सपोर्टर्स को रिफंड सेंक्शन के साथ साथ रिफंड भी उनका प्रोसेस होके उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी अभी ये न्यूज आई है जीएसटी के अंदर, तो आज की इस न्यूज के बारे में हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। हेलो एवरीवन, आई एम सी अंकिता दाते, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर एक्सपोर्टर्स को अब जल्दी से रिफंड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है, हम यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी नई गवर्नमेंट से, और जो कि सेंक्शन करेगी जीएसटी रिफंड्स को सिंगल लेवल पे, और जिससे कि एक्सपोर्टर्स को सिंप्लीफाई मैनर में रिफंड इजीली मिल जाएगा, साथ में उनको जल्दी मिल जाएगा। जो अभी करंट मैकेनिज्म है रिफंड का, वो एक डुअल रिफंड प्रोसेस है, यानी कि ट्वाइंट रिफंड प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको सेंट्रल लेवल पे अलग रिफंड इशू किया जाता है और स्टेट लेवल पे इशू होने के बाद ही एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलता है। तो पहले सेंट्रल में इशू होता है, फिर आपका स्टेट में इशू होता है। लेकिन जो ये नया सिस्टम आपका लागू होने वाला है अगस्त 2019 से, उसमें सिंगल अथॉरिटी रहेगी और सिंगल लेवल पे आपके रिफंड जो है इशू किए जाएंगे, सेंक्शन किए जाएंगे। यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है इस सिस्टम पे, जिससे कि टैक्स पेयर जो है पूरा रिफंड जो है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफिसर से, एक ही ज्यूरिस्डिक्शन ऑफिसर से क्लेम सैंक्शन हो जाने के बाद आपको रिफंड जो है इजीली मिल सके, और बैकएंड पे जो है सेंट्रल और जो स्टेट है वो अपना रेशियो और अपोर्शनमेंट अपने अमाउंट का वो बैकएंड पे अपने आप यहाँ पे करती रहेगी, और एक्सपोर्टर्स को जो है पहले यहाँ पे रिफंड जो है सेंक्शन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट सिस्टम है उसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, एक टैक्स पेयर जो कि मिस्टर ए है, अपने ज्यूरिस्डिक्शन ऑफिसर जो कि सेंट्रल के अंदर आता है वहां पे रिफंड क्लेम करता है, और जो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर है वो सिर्फ और सिर्फ 50% शेयर ही रिफंड को सेंक्शन कर सकता है, रिमेनिंग 50% जो है स्टेट टैक्स का ऑफिसर ही सेंक्शन कर सकता है। वो अपना स्क्रूटनी करके उसके बाद ही जो है रिमेनिंग 50% शेयर को इश्यू करता है, तब जाके जो एक्सपोर्टर्स को है वो रिफंड मिलता है। तो ये सिमिलर सिस्टम फॉलो किया जाता है अगर मिस्टर ए जो है स्टेट लेवल पे यहाँ पे जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा टाइम जो है ऐसे ही कंज्यूम हो जाता है और लॉन्गर टाइम लिया जाता है, और जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का इश्यू एक्सपोर्टर को फेस किया जाता है, और उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है, और इस वजह से जो है यहाँ पे जीएसटी में रिफंड को लेके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिंगल अथॉरिटी अपॉइंट करने का, जो कि डिसाइड करेगी जीएसटी के अंदर रिफंड, तो उसके लिए अनाउंस की है। तो इस प्रपोज सिस्टम के अंदर, सिंगल अथॉरिटी के अंदर, एक रिफंड क्लेम जो है फाइल किया जाएगा टैक्स पेयर से टैक्स ऑफिसर के साथ, जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल के रिफंड को चेक करेगा, असेस करेगा, और फिर जो है फुल टैक्स रिफंड जितना वो एलिजिबिलिटी मानता है टैक्स पेयर की वो इशू कर देगा, और उसके बाद जो हिस्सा रहेगा रिफंड के अंदर, जैसे कि हम एग्जांपल से मानते हैं कि अगर आपको रिफंड हुआ है इशू 10 लाख रुपीज का, और उसके अंदर जो आपका टर्नओवर के बेसिस पे सेंट्रल और स्टेट आपका हिस्सा जो है
रिफंड का हिस्सा आपस में अपोर्शनमेंट कर लेगी, सेटलमेंट कर लेगी, और ये सारे इंटरनली होंगे, तो इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को किसी भी तरह की डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्दी ही उनको रिफंड जो है मिल जाएगा। करंटली जो अभी रिफंड प्रोसेस है उसके अंदर दो टैक्स अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल के अलग, तो यहाँ पे जो सेंक्शन का प्रोसेस रहता है वो भी टाइम लेंदी रहता है, और जो यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम रहता है वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो इन सारी इश्यूज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफंड को टाइमली इश्यू करने के लिए सिंगल अथॉरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करने का डिसीजन लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीएसटी के अंदर जो डिविजन है यहाँ पे कैसे बांटा जाएगा, कंट्रोल कैसे होगा, अपोर्शनमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे जिन भी एसएससीज का टर्नओवर जो है अप टू 1.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से बिलो है, तो वहां पे 90% जो कंट्रोल रहेगा वो आपका स्टेट टैक्स ऑफिसर का रहेगा, स्टेट के जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका रहेगा, और जो रिमेनिंग 10% है वो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स का रहेगा। तो यानी कि अप टू 1.5 करोड़ का मेजरली पोर्शन जो है स्टेट बेयर करेगी और 10% जो है वो आपका सेंट्रल बेयर करेगी। और जिनका टर्नओवर, जिन एसएससीज का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है, तो उसका जो हिस्सा है रिफंड का हिस्सा वो आपका सेंट्रल और स्टेट इक्वली शेयर करेगी, और 50-50% जो है शेयर करेगी। जैसे कि अगर आपको रिफंड दिया जाता है 10 लाख का, तो 5 लाख जो है स्टेट बेयर करेगी और 5 लाख आपका सेंट्रल बेयर करेगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़ तो यहाँ पे आपका 90% यानी कि 9 लाख रुपीज स्टेट बेयर करेगा और 1 लाख रुपीज जो है सेंट्रल बेयर करेगा। तो यहाँ पे ये जो नया सिस्टम है इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को बहुत ही जल्दी उन्हें रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी इश्यू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज नहीं होगा, फाइनेंस कॉस्ट उनकी डिक्रीज होगी। तो इससे ये एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपके जो कमेंट है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, साथ में गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कैसा है, कैसे गवर्नमेंट और भी इंप्रूव कर सकती है। आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे आप औरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।